हेलो माय डियर कैंसर, सो यहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी जो है किससे होने वाली है। हु विल यू मैरी एंड व्हेन, मतलब कब तक होगी आपकी शादी। ठीक है, इस मैरिज रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी, आपके पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ बाउंडिंग आपकी कैसी रहने वाली है, इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस पर्सन से आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या ये पर्सन पास्ट के होंगे या प्रेजेंट के होंगे, मतलब आपके क्रश भी हो सकते हैं या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। और आपके जो पर्सन है ये इंसान आपको कैसा ट्रीट करेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि आपके पर्सन का क्या नेम इनिशियल है, कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, ये सारी बातें यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता चलने वाली है। प्रोफेशन भी बताऊंगी, फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी, लुक्स वगैरह एवरीथिंग। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल डेटिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से आप अवेयर रहिएगा, किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंट्री से हो, तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो नवरात्रि ऑफ़र है वो अभी भी ऑन है, लेकिन ये ऑफ़र बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी से अपनी बुकिंग कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनिंग ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे लेंगे तो भी आपको डिटेल एंड ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए किससे होने वाली है शादी, कैसे पर्सन से शादी होगी, कैसा होगा नेचर, कैसी होगी पर्सनालिटी उनकी। ओके, सबसे पहले ग्रीन तारामा का कार्ड है, दिस इज़ सो अमेजिंग, सो ब्यूटिफुल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे अलाइन हो जाइएगा, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आप सभी लोगों को परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मिले। वाओ, सारी ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बहुत अमेजिंग है, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे या होंगे, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे हैं फ्यूचर स्पाउस मेरे व्यूअर्स के। बहुत ही डिफरेंट सोच है, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान है, और शादी तो बड़े धूमधाम से हो रही है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन है, बिल्कुल भी ये पर्सन बोरिंग नहीं है। तो एक ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जो कि आपके लाइफ को फुलफ़िल कर देंगे, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में आपके सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली में कैसे हैं, और जो कमी होगा वो भी मैं बताऊँगी कि इस पर्सन के अंदर ये कमी है, वो कमी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन तारामा की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिड लाइफ के लिए आपको ग्रीन तारामा की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस मिल रहे हैं। आपके जो पर्सन है इनकी अगर बात की जाए तो ये इंसान मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन को जाके चीज़ें मिलती हैं, मतलब ये इंसान बहुत लकी और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है ग्रीन तारामा उनके ऊपर बहुत मेहरबान है। आपकी पर्सन मुझे बहुत ही शांत, बहुत ही पोलाइट और थोड़े बहुत फनी ऐसे दिखाई पड़ रहा है, मतलब कह सकते हैं काफ़ी मिस्टीरियस ये पर्सन हो सकते हैं। इनको ड्रामा पसंद नहीं है, हमेशा देखते होंगे घर में भी कुछ ड्रामा हो रहा है या कहीं बाहर भी कुछ ड्रामा हो रहा है, तो उसको अवॉइड करके ये पर्सन निकल जाते होंगे। आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जैसे बहुत तकलीफ़ देखी हो वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन हाँ आपके पर्सन फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता ना कि लोग बहुत ज़्यादा टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स, इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, बहुत सारे लाइफ में टर्न्स आते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपके पर्सन ऑलरेडी मुझे बहुत समझदार और अच्छी अच्छी चीज़ों से एक्सपीरियंस किए, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके बैठने का तरीका, मतलब इनका पोस्चर हो गया, इनका मतलब खड़े होने का तरीका, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पर्सन जो है ना, ये अपने लाइफ का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। मैं किसी के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं होने वाला, ऐसा है इस पर्सन का, ठीक है। हमेशा ये अपने ओन लाइफ में ही बिजी रहने वाले हैं, और किसी के लिए भी, या हो सकता है कि जब आपसे भी शादी फिक्स हो तो शुरुआत में ये दिखाएंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ। जब इनको लगेगा कि आप इनके लिए एक सही इंसान है, तो फिर धीरे 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 आपके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। हमेशा ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ओवरली इमोशनल है, लेकिन इमोशनल है, और हमेशा अपने मतलब जैसे
इमोशंस को चेक करते रहना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं अपने लाइफ में, तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ लोग जो है ना अपने पार्टनर से बोर होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है ये हमेशा देखेंगे कि मेरा इमोशंस अपने पार्टनर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सही है भी या नहीं, या फिर मुझे और प्यार करना चाहिए और उसके लिए ग्रेस होना चाहिए, मुझे और उसके साथ एडवेंचरस लाइफ बनानी चाहिए, ये सब चीज़ों पे ये हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं अपने हॉबीज़ में, जैसे इनको टेनिस बहुत अच्छा लगता होगा, फुटबॉल बहुत अच्छा लगता होगा, इवन कभी कभी क्रिकेट भी खेलते होंगे या खेलती होंगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है इस तरह के हैं और अपने लाइफ को हो सकता है किसी सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ज़्यादा अपलोड करते होंगे, जैसे इंस्टा हो गया, ये वो जो भी है, तो जो भी अपना कंटेंट या फोटोज़ पिक्चर्स भी डालते होंगे तो वो भी बहुत अमेजिंग होता होगा, वो भी बहुत मीनिंगफुल होता होगा। तो आपके जो पर्सन है ये ऐसे ही कुछ भी अपने लाइफ में नहीं करते, कुछ मीनिंगफुल होता है, कुछ अच्छा होता है तो ही करते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे यू विल बी प्रोटेक्टेड या फिर यू आर प्रोटेक्टेड, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है, पूरी तरह ये पर्सन आपका ख्याल रखेंगे। आप हो सकता है कि शादी के बाद मतलब आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छा जॉब भी कर सकते हैं, मतलब आपके पर्सन आपको इन सारी चीज़ों से कभी रोकेंगे नहीं, आपके पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करेंगे कि मेरी पार्टनर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा, ठीक है, ये जो भी करना चाहेगी यस मैं स्टैंड लेने वाला हूँ। अगर फैमिली भी अगेंस्ट चली जाएगी, लॉज भी अगेंस्ट चले जाएंगे तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपके लिए बहुत स्टैंड लेंगे। देन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है ये इंसान की आदत होगी, ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना पसंद करेंगे आपको, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, ये पर्सन आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियाँ अगर आपसे हो जाएंगी तो आप माफ़ी मांगोगे, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं गलतियों से सीखना चाहिए, तो इस तरीके के सपोर्टिव और अच्छे पार्टनर आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत दयालु होंगे, स्पेशली आपके लिए मुझे बहुत दयालु दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, जब ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या आपके लाइफ में आएंगे तो जैसे कि एक ऐसा समा हो गया है, इन्वॉल्वमेंट हो गया या फिर वेव आएगा जो कि इंस्पिरेशन का होगा, जो कि प्यार का होगा, सो वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में बहुत सारा इंस्पिरेशन भी लेकर आएंगे, आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे और प्यार तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक पार्टनर जो होते हैं, कपल जो होते हैं, ठीक है, उसके बीच में प्यार तो होना ही चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। देन आपके पर्सन एक डांसर भी हो सकते हैं या फिर इनकी हॉबी भी हो सकती है, कोरियोग्राफर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की थोड़ी बहुत एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक अल्फ़ा मैन या फिर अल्फ़ा फीमेल मेल जो भी है कह सकते हैं, कैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अल्फ़ा फीमेल या मेल अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा हो सकते हैं, क्योंकि ये मुझे ऑब्सेसिव लर्नर टाइप दिखाई दे रहे हैं। इनको कोई भी काम करना पसंद है प्यार के साथ, जो इनको पसंद है वही वो काम करेंगे। ये वो इंसान है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को भी मोटिवेट रखते हैं और दूसरों को भी इनकरेज करते हैं। आपके ये पर्सन कभी किसी के सामने बेग नहीं करते होंगे, चाहे कितना भी पुअर टाइम रहे या कुछ भी रहे, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, चैलेंज करना ये आपके लिए नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि इनका नेचर कैसा है। तो आपके जो पर्सन है बहुत डिटरमाइंड एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल रखने वाले इंसान है, ठीक है। ये किसी टॉक्सिक पीपल के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा और ना ही आपके पर्सन ज़रा से भी मुझे टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपके पर्सन का मैंने पहले ही बताया कि पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा अलग होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये भी चीज़ है, कोई भी काम को सबसे बेटर वे में करते होंगे, जैसे प्यार करना हो गया, रिलेशनशिप में आना हो गया, शादी की बात हो गई, तो शादी तो खैर आपकी बड़ी ही धूमधाम से हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। जो भी है, जिस तरह से भी शादी होगी, आपके पर्सन उस माहौल को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी फर्स्ट मैरिज हो रही है, हो सकता है कि सेकेंड मैरिज भी आप कर रहे हैं,
तो भी यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है उनका भी सेकंड हो, आपका भी सेकंड. तो यहाँ पे बात यह है कि ऐसा नहीं कि बोरिंग बोरिंग शादी होगी. शादी बहुत धूमधाम से और बहुत रीति रिवाज के साथ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पे आपकी शादी हो सकती है. ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नेचुरल प्लेस पे आपकी शादी होगी. उसके बाद आपके जो पर्सन है ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालेंगे. जैसे होता है कि शादी के बाद बर्डन आ गया, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि शादी के बाद आपके लाइफ में और फ्रीडम आएगा, बर्डन नहीं आएगा. आप हाईली फेमिनिन वुमेन या फिर हाईली फेमिनिन मैन बन सकते हैं. ठीक है, हमेशा आप एक अच्छे मूड में रहेंगे. ठीक है, स्मेल गुड करेंगे. ठीक है, अच्छे से क्लॉथ्स पहनेंगे. आपकी हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट वगैरह भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर करें. ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो एक अच्छी लाइफ देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं. ये इंसान मुझे बहुत ट्रस्टवर्दी दिखाई दे रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत होगी. और दूसरी बात, आपके पर्सन बहुत डिवोटेड इंसान हो सकते हैं. पूजा पाठ करने वाले बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं. और फनी सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन का मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है जब भी आपके साथ होंगे तो ये पर्सन कभी आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे. देखिए, लव मैरिज की अगर बात की जाए तो अगर लव मैरिज होगी तो आपके करंट पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज या आपके क्रश के साथ हो सकती है, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनके साथ हो सकता है. उनके साथ अपना फ्यूचर आप देख सकते हैं. ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाह रहा है. लेकिन कोई पास्ट के पर्सन के साथ अपना फ्यूचर ना देखे तो ज़्यादा अच्छा होगा. और अगर फ्यूचर देखना है, अकेले हो, सिंगल हो, तो फिर न्यू पर्सन का ही इंतज़ार कीजिए. क्योंकि अगर आप सिंगल भी है तो फिर अगर किसी को चांस दे रहे हो तो वो तो पास्ट से ही उठ के आएंगे. ठीक है, तो इसलिए पास्ट के पर्सन को चांस ना दे. या फिर अगर आपके लाइफ में कोई है तो अपने क्रश के साथ फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन पास्ट के पर्सन को नहीं. या तो फिर आप न्यू पर्सन का वेट कीजिए. ये चीज़ है. तो ये मैंने आपको बता दिया. आपके जो पर्सन है वैसे ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ को अच्छे से डिटेल प्लान करके चलने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं. आपके पर्सन जो है आपको आपके, हो सकता है कि आपका विलेज हो गया, आपका कोई अपना प्लेस हो गया. ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं. उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपको एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप प्रपोज करेंगे. कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में डेवलप होगा. आपके पर्सन जो है ये बहुत रोमांटिक होंगे डेफिनेटली, और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा रोमांस आ जाएगा इस पर्सन से. आपके पर्सन शायर भी हो सकते हैं, शायरी वगैरह लिखते हो या पोइम वगैरह लिखते हो. पोइटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है जब भी वो आपसे बातें करेंगे तो काफ़ी सारे शायरी वगैरह यूज़ कर करके आपसे बात कर सकते हैं. ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ पोएम आपको बताएंगे, कुछ कुछ स्टोरीज बताएंगे. तो उनको नोवेल लिखना, ठीक है, या पढ़ना या बुक्स लिखना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा. उसके बाद आपके जो पर्सन है, ये पर्सन की एक्शन, इस पर्सन का कहा हुआ वर्ड्स, ये सब बिल्कुल मैच करता होगा. मतलब हिज़ वर्ड्स विल मैच हिज़ एक्शन, या फिर हर भी आप कर सकते हैं, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा. तो आपके पर्सन ये आपको कभी अधूरा या अकेला नहीं छोड़ेंगे. ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे. मतलब होता ना कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन कि शादी के बाद कहीं ब्रेकअप हो गया, शादी के बाद कहीं डिवोर्स हो गया, शादी के बाद कहीं बहुत ज़्यादा किचकिच हुए तो क्या होगा. तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वैसा मुझे यहाँ पे कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा है. सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा दिख रहा है. सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन हो सकता है. मैं एक कार्ड यहाँ पे लेकर आपको बताती हूँ. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स. लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आप लोगों को परफेक्ट मैसेज मिले. ओके, ट्रैप्ड इन फियर. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल शायद ना हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जो इन लॉस होंगे इनके साथ तो आप रहोगे, इनके साथ तो आप टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको लगेगा कि ये लोग पता नहीं कब मेरे बारे में कुछ बुरा सोच ले, मेरे बारे में कुछ अलग सोच ले, मेरे बारे में कुछ गलत सोच ले. पर मुझे अच्छे से रहना है. ठीक है, मुझे अच्छे से रहना है, इस बात का ध्यान रहेगा. आप कितना भी मेहनत कर लोगे, आपको लगेगा कि शायद मैं उतना मैंने एफर्ट नहीं दिया, मुझे और एफर्ट देना चाहिए था. तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इन लॉस के साथ जब आप रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो फियर में हूँ, मैं तो फंस चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने इन लॉस के साथ मन ही नहीं लगता है. ठीक है, मुझे अपने लॉस के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है. हो सकता है कि शादी के बाद, ओके, शादी के बाद जैसे 4 महीने या 8 महीने हो सकता है कि आप अपने इन लॉस के साथ काटोगे क्या, स्पेंड करोगे.
ठीक है, बस अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। दिमाग को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। 12 महीने के अंदर या फिर 8 मंथ्स के अंदर आपकी या 4 मंथ्स के अंदर आपकी शादी होगी, ठीक है। वैसे मिलेंगे ये पर्सन आपको 4 मंथ्स के अंदर, लेकिन शादी तो 12 महीने के अंदर मतलब 1 साल के अंदर हो जाएगी। दमन एंड दीव की एनर्जी है, ये पर्सन दमन एंड दीव से हो सकते हैं, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, दिल्ली। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, कहाँ के हो सकते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उड़ीसा, यूपी, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, सिक्किम, एंड लास्ट वन इज ओके तमिलनाडु, ठीक है। आप भी जहाँ से हो तो भी आप लोग अपनी पर्स रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी कंट्री से हो तो भी आप लोग अपनी पर्स रीडिंग ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप लोगों का नवरात्रि ऑफर चल रहा है तो अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पर आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जिस भी टॉपिक पर रीडिंग आप लोगे उसमें आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, सो देर किस बात की। वेल, यहाँ पे डी है, देन यहाँ पे के है, ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या नेम इनिशियल हो सकता है, वाई, यू, एन, टी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्यू, बी, एंड लास्ट 3 है वो आपका ई, एच, एन, जी, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ओके। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले कनाडा के आपके पर्सन हो सकते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन आपके पर्सन यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए प्लीज़ गॉड। देन आपके पर्सन मुझे जापान के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे है सर्बिया, देन आपके पर्सन तुर्की के हो सकते हैं, तुर्की कुछ लोग कहते हैं, अब इसका नाम भी चेंज हो चुका है तो तुर्की हो चुका है, ठीक है। देन आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, मे बी ये पर्सन पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, और ये सारी कंट्रीज आपकी भी हो सकता है, इन सारे कंट्रीज में आप खुद भी रहते हो। देन यहाँ पे आपका है हंगरी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देन म्यांमार, उसके बाद है यहाँ पे आपका इज़राइल, अब यहाँ से कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता दूँ, ओके, सो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले है यहाँ पे क्रोएशिया, देन यहाँ पे है गियाना, देन आपके पर्सन मुझे यूएसए के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मे बी फिनलैंड के भी हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन का कंट्री ऑस्ट्रिया भी हो सकता है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकता है आप खुद भी हो, ठीक है, आपके पर्सन भी यहाँ से हो। अब मैं आपको बताऊँगी आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, ठीक है, बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, होम, फ्रेंड्स होम, पार्क, ट्रेन स्टेशन, देन आपके पर्सन आपको एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं, ऑर्फनेज, बुक स्टोर, पार्टी, वर्क प्लेस, एंड लास्ट वन इज मॉस्को या फिर होटल, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिलोगे, ठीक है। हो सकता है आप कहीं ठहर रहे हो, होटल वगैरह, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। फिज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए तो फिज़िकल अपीयरेंस में बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं और ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। एथलेटिक मतलब स्पोर्ट्स के जो पर्सन होते हैं वैसी पर्सनैलिटी होगी, फिट एंड फाइन होंगे आपके पर्सन। देन आपके पर्सन का वाइट लिप्स होगा, वेल ब्यूल्ट होंगे, टॉल होंगे, ब्रॉन्ज स्किन होगा, हेजल आइज होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन का है अमेजिंगली ब्यूटीफुल, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे देखने में। लास्ट वन इज़ वो है आपका अट्रैक्टिव, आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो होने वाली वाइफ है या होने वाले हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। प्रोफेशन की अगर बात की जाए, यूट्यूबर हो सकते हैं,
रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, बैलेट डांसर, पायलट, डॉक्टर, कोरियोग्राफर, ये मैंने पहले भी आपको बताया। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बैंक क्लर्क, एंड लास्ट कुछ मैं आपको बता दूँ वो है आपका स्टेट पीसीएस ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नर्स आप भी हो सकते हो और वो भी हो सकते हैं, एडवोकेट। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के प्रोफेशन है, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली है। डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि आपका जो सीट्स है वो लिमिटेड है और नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो इस ब्यूटीफुल टाइम में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिल रहा है और डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। सो चलते हैं भाई, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।